अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिंजा को देखते हैं जिसकी अभी अभी रिचेस्ट ली फैमिली में मेड की जॉब लगी होती है। तभी वहाँ से फोर कार्स निकलती हैं जिसमें से ली फैमिली के फोर अडॉप्टेड यंग मास्टर होते हैं। देन ली फैमिली की बटलर उन्हें बताती है कि ली फैमिली में सबसे बड़े ग्रैंडपा ली हैं और उनकी ग्रैंड डॉटर बचपन में एक हो गई थी, इसलिए ग्रैंडपा ली ने अपनी ग्रैंड डॉटर जाओली के लिए फोर फियांसे अडॉप्ट किए थे। सबसे पहला मिस्टर हुतिंग जो ली ग्रुप का सीईओ है, जो बहुत रूड और सीरियस रहता है और लाइफ में कोई रोमांस नहीं। सेकंड यंग मास्टर है डॉक्टर गुवई जो कभी किसी को जल्दी से टच भी नहीं करता। और थर्ड यंग मास्टर है सीनैन जो वर्ल्ड का टॉप आइडल है पर वो भी कभी किसी लड़की को भाव नहीं देता। और फिर फोर्थ यंग मास्टर फूशन जो कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, उसकी बहुत सारी गर्ल्स फैन है पर वो भी किसी को भाव नहीं देता। पर चारों फोर यंग मास्टर सिर्फ यंग लेडी के लिए हैं, तो तुम में से कोई मेड उनके बारे में सपने में भी मत सोचना। ग्रैंडपा ली अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो देख के रो रहे थे कि वो उसे इतने सालों से अभी तक ढूंढ नहीं पाए। एक एम्प्लॉय आके बताता है कि यंग लेडी मिल गई। उठ के जाने लगे थे, लिंजाओ भी वहीं थी पर वो उसका जेट पैटर्न देखे बिना चले गए थे। लिंजाओ फर्स्ट यंग मास्टर के स्टडी रूम में क्लीनिंग करने आती है तो एक बच्ची की फोटो देख कहती है, ये जानी पहचानी क्यों लग रही है, इसके पास जैसा सेम जेट पैटर्न है वैसा मेरे पास क्यों है। बट तभी वहां पर मिस्टर हुतिंग आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर किसने घुसने दिया। वो बताती है क्लीनिंग के लिए। मिस्टर हुतिंग कहता है पूरी ली फैमिली को पता है कोई मेरे स्टडी रूम में नहीं घुस सकता, तुमने मुझे सड्यूस करने का इतना घटिया तरीका ढूंढा है। वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो बस ये फोटो। वो छीन लेता है, तुमने इसे टच भी कैसे किया, उसे उसका गला पकड़ के उसे गिरा देता है। बटलर ग्रैंडपाली को बताती है कि हम यंग लेडी तक पहुंचने वाले थे पर वो अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन हो गई, तो उसका न्यू एड्रेस पता कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा को किसी लड़की की आवाज़ आती है तो सोचते हैं ये तो जानी पहचानी है, इनफैक्ट बचपन में उनकी ग्रैंड डॉटर भी ऐसी बोलती थी। मिस्टर हुतिंग के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे पनिश करने वाला होता है। ग्रैंडपा जाते हैं, मिस्टर हुतिंग पूछता है आपको जावली का कुछ पता चला, तो वो मना कर देते हैं। ये कौन है, मिस्टर हुतिंग कहता है मुझे सड्यूस करने आई थी, मेरे स्टडी रूम में घुस गई और जावली की फोटो टच करने वाली थी। लिंजाओ कहती है मैं बस क्लीनिंग करने आई थी और सोचती अभी इस जेट पैटर्न के बारे में बात नहीं करती। ग्रैंडपा सोचते हैं इसने तो जावली की फोटो को पहचाना भी नहीं, तो ये तो जावली हो नहीं सकती। मिस्टर हुतिंग तो गुस्से से उसे फायर करने वाला था। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, ये न्यू है, और माफ कर देते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर हुतिंग कहता है जावली तुम कहाँ हो। लिंजा गुस्से से जा रही थी, अपने आप को समझता क्या है, कहीं का किंग है क्या। तभी बटलर आकर उसे बाकी के यंग मास्टर्स के रूम में भी क्लीनिंग करने को बोल देती है। तो लिंजा जाकर फोर्थ यंग मास्टर फूशन के रूम में क्लीनिंग करने लगी थी। फूशन आकर सोचता है फिर से कोई और लड़की मुझे सेड्यूस करने आ गई और उसके पिछवाड़े पे थपड़ा मार देता है। पर लिंजा बहुत गुस्से में थी और मॉप उठाकर उसके पिछवाड़े पे मारने भागती है। जैसे उसे मारने वाली थी वो रोकता है बट एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का किस हो जाता है। दोनों हैरान और एकदम से दूर हो जाते हैं। फूशन गुस्से में मैंने अपनी फर्स्ट की जावली के लिए रखी थी, इतनी हिम्मत मुझे सेड्यूस करोगी, और उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है। कहती छोड़ो मुझे, कहता है नाटक करना बंद करो, तुम यही चाहती थी ना। वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर कहता है इसे दर्द में देख के मुझे क्यों बुरा लग रहा है, पक्का ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रही होगी। लिंजा सोचती है ली फैमिली के चारों यंग मास्टर यंग लेडी के लिए है, मैं कोई गलती नहीं कर सकती। फूशन सोचता है अभी मुझे इसे किस करने का मन क्यों कर रहा है, और उसकी मुंडी पकड़ कर उसे किस करने लग जाता है। लिंजा एकदम हैरान थी और उसे धक्का मार देती है। फूशन उसके जेट पैंट छीन के सोचता है मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। लिंजा वापस लेने लगी थी तो जानबूझ के ऊपर कर लेता है, उसे दे नहीं रहा था। ग्रैंडपा भी वहीं से जा रहे थे और उन दोनों को दूर से देख लेते हैं। यहाँ ये सब क्या हो रहा है, फूशन उसका पेंडेंट अपनी पॉकेट में रख लेता है। दोनों जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगे थे। फूशन सोचता है इस लड़की ने मुझसे पंगा लिया है ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और कहता है ग्रैंडपा ये मेड मुझे सेड्यूस कर रही थी, मैंने तो अपनी वर्जिनिटी जावली के लिए संभाल के रख रखी है। लिंजाओ कहती है झूठ बोल रहा है, मैं तो बस इसके रूम में सफाई करने गई थी। ग्रैंडपा सोचते हैं ये लड़की तो भोली भाली लगती है, कहीं सच में फूशन इसे जानबूझ के परेशान तो नहीं कर रहा था। बट तभी दूसरी मेड यीरोंग आकर कहती है ये लिंजाओ झूठ बोल रही है, बटलर ने मना किया था तभी तुम यंग मास्टर्स को सेड्यूस कर रही हो।
लिंसा कहती, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ना मुझे मिस्टर होतेंग के स्टडी रूम में क्लीनिंग करने को बोला था। ये रोंग कहती, वहां तो कोई नहीं चाहता, मैं भला तुझे क्यों कहूंगी। ग्रैंडपा कहते, बस करो लिंसा, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। फुशन कहता है, ग्रैंडपा इसने मुझे सड्यूस नहीं किया था। ग्रैंडपा कहते, बस कर, तू मेरी ग्रैंडडॉटर का फियांसे है, दूसरी लड़की की साइड ले रहा है। लिंसा कहती, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ग्रैंडपा गुस्से से चले जाते हैं। फूशन उसे रोते देख कहता है, सॉरी, बट वो गुस्से से उसे किक करके जाने लगती है। तो सोचती है कैसे भी करके अपने ब्रदर के ट्यूशन के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। फूशन सोचता है, फॉर्चून टेलर ने बताया था कि मेरी और जावले की फीलिंग सेम है, तो इस लड़की के सैड होने पर मैं क्यों सैड हो रहा हूँ। और फिर रात में देखता है मिस्टर हुओतिंग टल्ली होके घर आ रहा है, तो कहता है, पक्का के साथ फिर से कुछ गड़बड़ होगी, वो लड़की तो वैसे भी अनलकी है। लिंसा देखती है मिस्टर हुओतिंग आ रहा है, तो वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी, बट वो चलता हुआ वहीं गिर जाता है। कहती है, तुम्हें कुछ भी हो, मुझे क्या, वो बड़बड़ा रहा था। तो फिर वो उसकी उठने में हेल्प करने लगती है। मिस्टर हुओतिंग कहता है, मुझे स्टडी रूम में ले चलो। तो कहती है, पहले खुद ही तो मना किया था, उसे पकड़ के लेके जाने लगती है। मिस्टर हुओतिंग कहता है, जावली, और उसे पकड़ के हकड़ने लगता है, तुम वापस आ गई। वो हैरान थी, इस खड़ूस को अचानक से क्या हो गया, और एकदम से दूर कर देती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यंग लेडी नहीं हूँ। वो कहता है, तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती हो, तुम मेरी हो। लिंसा सोचती है, लगता है पागल हो गया है, और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे वापस खींच लेता है। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। लिंसा उसे दूर होती है, पर वो फिर से किस करने लगा था, पर लिंसा को हाथ लगने से फोटो गिर जाती है, तो वो जल्दी से उठा के देखने लगी थी। शुक्र है फोटो नहीं खराब हुई। मिस्टर हुओतिंग गुस्से से फोटो खींचता है, पर फट गई थी। कहती है, तुमने फाड़ा, कहता बोला था ना मेरे रूम में मत घुसना, और तुम्हारी वजह से मेरी जावली की फोटो खराब हो गई। लिंसा कहती, तुम टल्ली थे, और तुम्हें मुझे तुम्हारे रूम में छोड़ के आने को बोला था। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, झूठ बोलोगी। इधर बटलर आके ग्रैंडपा को बताती है कि यंग लेडी का एड्रेस पता चला है, सुना है वो हमारे ली विला में जॉब करने आई है। तो ग्रैंडपा हैरान, कहीं वो न्यू मेडी तो मेरी ग्रैंडडॉटर नहीं, गलती से उसे अपने विला से बाहर निकालने वाला था। तो भागकर वहां आते हैं, मिस्टर होतिंग ये क्या कर रहा है, वही जावली है। वो हैरान उसके छोड़ते लिंसा गिर जाती है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि यही तुम लोगों की फियांसे जावली है। तो चारों यंग मास्टर हैरान थे। मिस्टर होतिंग कहता है, अभी अभी मैंने जावली को हर्ट करने की कोशिश की। लिंसा कहती, ग्रैंडपा आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई, मेरा नाम तो लिंसा है। ग्रैंडपा कहते, बिल्कुल नहीं, ये देखो ये तुम्हारे बचपन की फोटो है, बचपन में ये जेट पेंडेंट पहन रखा था, तो तुम्हारे पास भी ऐसा जेट पेंडेंट हुआ, इसका मतलब तुम ही मेरी ग्रैंडडॉटर हो। लिंसा कहती, हाँ मेरे पास भी ऐसा एक है, पर फिर देखती है मेरा जेट पेंडेंट कहाँ गया। ग्रैंडपा कहते, क्या हुआ, जेट पेंडेंट दिखाओ। तभी हीरोंग आकर कहती है, ये झूठ बोल रही है, हैरान, तुम्हारे पास ही जेट पेंडेंट है। हीरोंग कहती है, हाँ क्योंकि मैं ही आपकी ग्रैंडडॉटर हूँ, और सोचती है ली फैमिली के चारों फियांसे मेरे हो जाएंगे। वो तो उन्हें आग करने लगी थी, इनफैक्ट फूशन ने जब उसे अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे उसे आंख मार रही थी। तो कहता है, तुम्हारी आंखें खराब है क्या, उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। और हीरोंग को उसकी पैंट के पॉकेट में वो जेट पेंडेंट मिल गया था, ये तो यंग लेडी का है ना, और सोचती है पता नहीं वो पेंडेंट फूशन की पॉकेट में कैसे आया, पर मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है। कहती है, ग्रैंडपा मैंने इतने सालों से बहुत कुछ सहा है। ग्रैंडपा कहते, ये सब मेरी गलती है, अब मैं फ्यूचर में कंपनसेट करूंगा, और लड़के मैंने तुम्हारे लिए रेडी किए हैं। लिंसा कहती है, पर मेरा जेट पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे। सब हैरान, ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा है। हीरोंग कहती है, मुझे इतनी मुश्किल से अपनी फैमिली मिली है, तुम उसे छीना चाहती है। लिंसा कहती है, नहीं वो जेट पेंडेंट सच में मेरा है, और फूशन ने भी देखा था, शायद उसी दिन गिर के खो गया होगा। फूशन कहता है, शायद ये वही वाला पेंडेंट है। हीरोंग सोचती है, मैंने कभी सच पता नहीं लगने दूंगी, और कहती है, ग्रैंडपा आपने जो मुझे पेंडेंट दिया था, पर इसकी बहुत सारी कॉपीज ऑनलाइन सस्ते में मिल जाती है, इस लिंसा वाला पेंडेंट पक्का फेक होगा, और ऑनलाइन दिखाती है। लिंसा सोचती है, हाँ मेरी फैमिली काफी पुअर है, मॉम ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे कोई रिच ग्रैंडपा भी है। हीरोंग कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे जेलस है, क्योंकि मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ, पर रिच बनने के लिए इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लिंसा कहती है, सॉरी लगता है मुझसे गलती हो गई। बस सोचते हैं ये सच में पैसों की लालची है, और मैं इसे अपनी ग्रैंडडॉटर समझ रहा था। मिस्टर होतिंग सोचता है, मुझे तो सच में ये एक बार को जावली लगी थी, भले ही रियल वाली जावली वापस आ गई है, पर मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हीरोइन कहती है, इसने ली फैमिली में झूठ बोला, बॉडीगार्ड्स आकर इसे बाहर फेंक दो। ग्रैंडपा कहते हैं, ऐसा मत करो, आज का अच्छा दिन है, हमने तुम्हें ढूंढा है। और चारों यंग मास्टर से कहते हैं, सबको इतना तो पता ही होगा मैंने तुम्हें क्यों अडॉप्ट किया था, ताकि अपने ग्रैंडसन इन लॉ के स्टैंडर्ड का बना सकूं, जावली के लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढ सकूं। और अब जब जावली वापस आ गई है तो वही चूज करेगी कि तुम चारों फियांसे में से उसे कौन सा पसंद आया। हीरोइन सोचती है,
कोल्ड ओवरलोड मिस्टर हुआतिंग टसंडरे डॉक्टर गुवई हैंडसम सीनन फनी और नॉटी फूशन, इन चारों में से किसी एक को चूज करना कितना मुश्किल है। मुझे तो ये चारों चाहिए, क्या करूँ? मिस्टर हुआतिंग कहता है, ग्रैंडपा जब साउली वापस आ गई है तो उसे फैसला लेने से पहले कुछ टाइम रेस्ट करने दो। यूरोंग कहती है, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। मैंने सही कहा, मैं कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ। साउली तुम जाके रेस्ट करो। यूरोंग कहती ओके, पर मैं चाहती हूँ लिंजाओ मेरी पर्सनल मेट बने। फूशन कहता है, ग्रैंडपा आप ऐसा नहीं कर सकते, इस मेट को हम चारों के रूम की क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये लिंजाओ इन चारों के लिए है, तुम चाहे विला की और मेट्स में से कोई चूज कर लो। यूरोंग कहती है, ग्रैंडपा मुझे ये लिंजाओ बहुत पसंद है। फूशन कहता, तुम्हें लिंजाओ पसंद है या फिर आज हुआ उसकी वजह से ऐसा कर रही हो? यूरोंग सोचती है, ये लिंजाओ का बहुत साथ दे रहा है और रोने का नाटक करने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते, कोई बात नहीं, बाकी घर की सारी मेट तुम्हारी हैं, काफी रात हो गई, अब तुम सब रेस्ट करो। एक हफ्ते बाद मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पार्टी रखूंगा और अनाउंस करूंगा कि साउली मिल गई है। यूरोंग सोचती है, एक बार जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा फिर तो लिंजाओ कुछ भी बोलती रहे, कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं पार्टी में ही साउली का फियांसे भी अनाउंस करूंगा, तो तुम चारों रेडी रहना। उन सब के जाने के बाद लिंजाओ फूशन को खुद से दूर करती है। वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें साउली से बचा रहा था? तो ये गलत है, मैं तो तुम्हें अपने पास रख रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशान कर सकूँ, तुमसे जो मर्जी करा सकूँ, तो तैयार रहना। वो हैरान थी, पर वो जाता हुआ पॉट को लात मार के गिरा देता है, देखो कितना गंदा हो गया है, इसे साफ कर देना। तो लिंजाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। फूशन आकर अपने कपड़ों में चेक करने लगता है, लिंजाओ वाला पेंडेंट कहाँ गया? यूरोंग से आकर पूछता है, मेरी पॉकेट में जो पेंडेंट था वो सेम ऐसा ही था ना, तुमने देखा है? यूरोंग कहती है, मैंने तुम्हारा वाला कहाँ देखा होगा, मेरा वाला पेंडेंट तो शुरू से मेरे पास था, और मैं ली फैमिली की क्लॉथी वारिस हूँ, तुम मुझसे ऐसे दोबारा बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना ग्रैंडपा से बोल के तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। फूशन कहता, बताओ जी, जिस लड़की का मैं इतने सालों से वेट कर रहा था वो इतनी बुरी निकलेगी? सोचा ही नहीं था, इससे अच्छा तो वो लिंजाओ यंग लेडी होती। फिर यूरोंग मिस्टर हुआतिंग के स्टडी रूम में आती है, तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हो? तुम्हें खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और अपनी आइज बंद कर लेती है तो सोचती है, जल्दी से मुझे किस करो, सुना ड्रिंक करने के बाद तुम्हें किसिंग करना पसंद है। पर मिस्टर हुआतिंग उसे दूर कर देता है, नहीं तुम ली फैमिली की यंग लेडी हो। वो कहती है, तभी तो मैं तुम्हारी फियांसे हुई, अभी मुझे जो चाहिए तो क्या तुम मुझे रोकोगे? बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है, तुम मुझे धमकी दोगी, और धक्का मार के चला गया था। तो यूरोंग गुस्से में, लिंजाओ कहती है, ये ली फैमिली का विला इतना बड़ा है, पूरे विला में सफाई करते हुए मैं थकी जाती हूँ। तभी वहां पर टल्ली मिस्टर हुआतिंग आता है और सीधा आकर उसके ऊपर गिर गया था। लिंजाओ सोचती है, लगता है ये बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया है, पर ये जब भी टल्ली होता है अजीब ही रिएक्ट करता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वो कहता है, साउली। तो कहती है, फिर से स्टार्ट हो गए, मैं साउली नहीं हूँ, मेरा नाम लिंजाओ है। कहता, मेरे काम करोगी मेरे ग्लासेस हटाना? तो वो उसे ग्लासेस हटाने लगती है, सोचती है ये कितना हैंडसम है। बट मिस्टर हुआतिंग फिर से उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान थी और फिर उसे धक्का मार देती है, तुम यंग लेडी के फैंस हो, ऐसा नहीं कर सकते, और जाने लगी थी। पर वो उसका हाथ पकड़ के उसे दीवार पे पुश कर देता है, सही कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा फैंस हूँ, तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो। उसे तो पकड़ के ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। लिंजाओ उसे रोकने लग जाती है, तो वो उसके हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और उसे किस करने लग गया था। लिंजाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे किक कर देती है, जिससे उसकी हालत ख़राब। पर तभी यूरोंग आकर लिंजाओ पे चिल्लाने लगी थी, इतनी हिम्मत, मिस्टर हुआतिंग को हर्ट किया? बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है, मिस्टर हुआतिंग को उसके रूम में ले जाओ और इस लड़की को पकड़ लो। दो बॉडीगार्ड टल्ली मिस्टर हुआतिंग को ले जाते हैं, जबकि दो ने लिंजाओ को पकड़ लिया था। सोचती है, मुझे मिस्टर हुआ पे ट्राई मारना था और इसे चांस मिल जाता। लिंजाओ कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मिस्टर हुआ टल्ली थे। यूरोंग कहती है, मैं मिस्टर हुआ के फियांसे हूँ, वो टल्ली था तो मेरे पास आता, भला वो तुम्हारे जैसे मेट को किस क्यों करेगा? बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे थे, तुम्हारे यंग लेडी से कंपैरिजन थोड़ी ना हो जाएगा। यूरोंग कहती है, कौन तेरा भरोसा करेगा? लिंजाओ कहती है, अगर तुम यंग लेडी हो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी को भी बुली करोगी। यूरोंग कहती है, एक नौकरानी होकर मुझसे बहस करेगी? इसके कपड़े फाड़ दो, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेगी। लिंजाओ चिल्लाने लगी थी, तभी वहां पर फूशन अपना कैमरा ऑन करके आ जाता है। हाँ जल्दी स्टार्ट करो, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट करूंगा कि जो भी यूरोंग से पंगा लेता है उसके साथ क्या होता है। तुम इंटरनेट पे ये दिखाना चाहते हो कि मैं अपनी पावर का यूज करके लोगों को बुली करती हूँ? फूशन कहता है, वो तो तुम करती हो। लिंजाओ हैरान थी, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? यूरोंग कहती है, तुम मेरे फियांसे हो, इस लड़की की हेल्प क्यों कर रहे हो? क्या तुम इस मेड को लाइक करते हो? फूशन कहता है, क्योंकि ये मेरी मेड है तो इसे सिर्फ मैं ही बुली कर सकता हूँ। और यूरोंग के कान में कहता है,
अगर मिस्टर होतिंग को पता चला कि तुम ही उसे बार बार टल्ली करवाती हो ताकि तुम मिस्टर होतिंग का फायदा उठा सको, तो बताओ वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो कितना गुस्से वाला तुम्हें तो पता ही है। हीरोंग हैरान, तुम्हें कैसे पता? बेटा हीरोंग किसी एम्प्लॉय को फोन करके बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मिस्टर होतिंग को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा के लेके आना, और फूशा ने उसकी बात सुन ली थी। लिंजा सोचती है मैं इसे हमेशा बुरा समझती थी पर शायद ये थोड़ा सा अच्छा भी है। तो फ्यूशन लिंजाओ का हाथ पकड़ के ले जाता है। हीरोंग कहती है अगली बार नहीं तो बचेगी। लिंजाओ मिस्टर हुआतिंग को उसका ब्लेजर उड़ा देती है। फ्यूशन कहता है इसे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम्हारा इस पे क्रश है क्या? वो कहती है नहीं तो। तो फ्यूशन उसके बाल हटा कर देखता है, उसके नेक पे लव बाइट है। तो कहता है जब भी ये टल्ली होता है इसके आसपास मत आया करो क्योंकि होश में आते ये कोल्ड ब्लडेड बन जाता है क्योंकि इससे थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। लिंजाओ कंफ्यूज थी क्या मतलब तुम्हारा। फ्यूशन बताने लगता है कि जब ये बच्चा था इसके मॉम डैडी इसे बहुत बुली करते थे, बचपन में इसे स्टोरेज रूम में बंद कर देते थे, इस वजह से ये इतना इमोशनलेस हो गया है और इसे कभी किसी से प्यार नहीं होता। लिंजा सोचती इसका मतलब ये जो मुझे किस करता है उसमें कोई इमोशंस नहीं है, वो तो बस ऐसे थे और मैं एक मेड हूँ, मुझे इसके बारे में ऐसे वैसे ख्याल नहीं सोचना चाहिए। फिर वो सो रही थी तो बड़बड़ा रही थी यहाँ का बेड कितना सॉफ्ट और बड़ा है। सीनन कहता है सही कहा, कितना कम्फर्टेबल है क्योंकि ये कम से कम 1 मिलियन का होगा। लिंजा नींद में थी और उसके ऊपर हाथ रख के उसकी चेस्ट दबाने लगती है। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, 1 मिलियन का वर्थ इट है। हीरन कहता है पर तुम इसे 1 मिलियन में नहीं खरीद सकती। वे लिंजाओ की आईज खुलती हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, मेरे बेड पर एंजल क्या कर रहा है? सीनन कहता है एंजल मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है, तुम चाहे मुझे हैंडसम बोल सकती हो। सब यही बोलते हैं, तुम्हें हैरानी से एकदम से उठ जाती है, तुम यंग मास्टर सीनन हो, मेरे बेड पे कर रहे हो। उसे पकड़ के कहता है सो रहा था। रान तुम यहाँ कैसे आए? कहता है गेट खोल कर। तो कहती है पर वो तो मैंने लॉक किया था। सीनन कहता है मुझे गेट का लॉक तोड़ने के कई तरीके पता है, इस बोलना बंद करो चलो दोबारा सोते हैं। उसे अपने पास पकड़ के लिटा लेता है बट उसे धक्का मार के एकदम से बेड से खड़ी हो जाती है। कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? सीनन कहता है कितनी बनकी दिखा रही हो, मैं खुद ही अकेला सो जाऊंगा। तो लिंजाओ कहती है तुम अपने रूम में जाकर क्यों नहीं सोते? सीनन कहता है मुझे नहीं पता, वहां मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा यहीं पे मन लग रहा है। लिंजाओ कहती है ये इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है, और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। डॉक्टर गुवई गुस्से से गेट बजा रहा होता है, तभी लिंजा बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर गुवई, कुछ काम है क्या? वो कहता है तुम्हें पता भी है कितना टाइम हो रहा है? तो कहती है 9 बजे हैं। वो कहता है 9 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। 9:01 हो गया है, तुम अभी तक ब्रेकफास्ट मेरे रूम में क्यों नहीं लेके आई? अंदर से किसी की आवाज़ आती है तो कहता है तुम्हारे रूम में सीनन है? तो कहती है नहीं तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो बस सीनन की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो बस उसके सॉन्ग सुन रही थी। तभी उसके रूम में से सीनन निकलता है, तो सोचती है बाहर क्यों आ गया, कहीं डॉक्टर गुवई इसे गलत ना समझे। सीनन कहता है अच्छा तो तुम भी मेरी फैन हो, तभी तुम्हारे साथ सो के मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, तो लगता है मुझे भी अपनी बिग फैन को इनाम देना पड़ेगा। डॉक्टर गुवई कहता है तुम दोनों साथ में सोए? लिंजा कहती है डॉक्टर गुवई तुम गलत समझ रहे हो, सीनन का मतलब था कि परदिस। पर तभी सीनन उसके चिक्स पे किस करने लग जाता है। लिंजा एकदम हैरान थी। सीनन कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा और बाय करके भी चला जाता है। डॉक्टर गुवई कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर है, पर तुम्हें अपना मेड का काम अच्छे से करना चाहिए। लिंजा कहती है डॉक्टर गुवई मुझे माफ कर दो अगली बार से। तभी उसे छींक आ जाती है। डॉक्टर गुवई एकदम हैरान, उसके ऊपर छींक दिया था तो वो गुस्से से अपने कपड़े निकालने लगा था, फिर डॉक्टर गुवई को थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है और अपनी पैंट तक निकाल देता है। तब ये देख के एकदम हैरान और चिल्लाती हुई अपनी आइस पे हाथ रख लेती है। डॉक्टर गुवई कहता है चिल्ला क्यों रही हो, और कपड़े उसके मुंह पे फेंक के मारता है तो अच्छे से डिसइंफेक्शन से वॉश करना, मैं तुम्हें अपने पूरा टाइम शेड्यूल बता दूंगा, इसे याद कर लेना दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और फिर उसके कपड़े धो के सुखा रही होती है। तो कहती है ये यंग लेडी के चारों फियांसे एक से बढ़कर एक नमूने हैं, एक को टल्ली होके किस करने की आदत है, दूसरा तो मेरे सामने कपड़े निकाल देता है, और तीसरे को मेरे साथ सोना है, और चौथा मुझे फालतू में परेशान करता रहता है। और फिर मिस्टर हुआतिंग के बारे में सोचने लगती है, उसके ग्लासेस देख रही थी, कहीं उसे सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, अगर मैं यंग लेडी होती तो मैं मिस्टर हुआतिंग को चूज करती। मिस्टर हुआतिंग आकर अपने ग्लासेस छीन लेता है, ज्यादा इमेजिनेशन में मत जियो, मेरा तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लिंजा सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया था अभी, याद रखना तुम हो कौन, जैसे ली फैमिली में आई फ्यूशन को सड्यूस किया। लिंजा कहती है मैंने कुछ नहीं किया था, वही मुझे परेशान कर रहा था। मिस्टर हुआतिंग कहता है और मेरे टल्ली होने का फायदा उठाकर मेरे करीब आने की कोशिश की। लिंजा कहती है वो तुम टल्ली थे और तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया था। मिस्टर हुआतिंग उसके क्लोज आने लगता है,
कहीं तुम ली फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? पीछे होती कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जेड पेंडेंट सही में मेरी मॉम ने मुझे दिया था, वो तो यंग लेडी का भी सेम वैसे ही था, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। मिस्टर होते कहते, अच्छा होगा तुम उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी झूठी में कभी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। पक्का तुम तुम्हारी मॉम की तरह शेमलेस होगी। तो वो उसको थपड़ा मार देती है। लिंजाओ कहती, मुझे पता है तुम चारों ये रिच यंग मास्टर की नज़रों में मैं एक पुअर सी लड़की हूँ। भले ही मैं पुअर हूँ इसका मतलब ये नहीं मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो तुम मेरी मॉम के बारे में बकवास करना बंद करो। वो थिंग सोचता है, लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, सॉरी बोलने वाला था। तभी हीरोंग आकर लिंजाओ के थप्पड़ मार देती है। मिस्टर होते कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे और उसे गिरा देता है। मेड्स लिंजाओ को घेर लेती हैं। यंग लेडी तेरे साथ अच्छा बिहेव करती हैं तो उनके साथ ऐसा कर रही है, उनके चारों फियांसों को सिड्यूस करने पे लगी पड़ी है। और सब मिलकर लिंजाओ को बुली करने लगी थी। जैसे मिस्टर होतिंग डांटता है सबके सब भाग जाती हैं। वो कहते, चिंता मत करो मैं हूँ ना। तो लिंजाओ एकदम हैरान थी, ये मुझे क्यों बचा रहा है। हीरोइन कहती है, मिस्टर होतिंग तुम मेरे फियांसे हो, इससे बात मत करो। लिंजाओ कहती है, ये मुझे हो के गया है, मैं एक मेड हूँ, मैं यंग मास्टर के बारे में कुछ नहीं सोच सकती। मिस्टर होतिंग सोचता है, ये लड़की तो कहीं से भी जावली नहीं लगती, मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसी लड़की के साथ नहीं बिताना चाहता। उससे दूर करके गिरा देता है। मेड सुधर उठाती है तो कहती है, तुमने इस लड़की के लिए मुझे धक्का मारा। वो कहता है, पहले तुम्हें ऐसे बुली किया था। कहती है, मैं यंग लेडी हूँ और ये बस एक मेड है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। वो कहता है, तुम कितनी शेमलेस हो। तभी ग्रैंडपा चाहते हैं, कौन मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली कर रहा है। हीरो कहती है, ग्रैंडपा कल इस लिंजाओ ने मेरी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की थी, आज ये मेरी फियांसे को छीन रही है। सोचती है, ये बुढ़े को मेरी इतनी फिक्र है, अब देखना तू नहीं बच पाएगी। लिंजाओ कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मिस्टर होतिंग से बात कर रही थी, यंग लेडी ने गलत समझा। सोचती है, मेरे कहने का क्या फायदा, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। होतिंग कहते हैं, ग्रैंडपा मैं लिंजाओ से बात करने आया था। ग्रैंडपा कहते हैं, बस कर अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जा। होतिंग जैसे घुटनों पर बैठता है ग्रैंडपा से मारने लगे थे। लिंजाओ कहते, रुको। ग्रैंडपा कहते, तुम मुझे बताओगी इसके साथ क्या करना है। मिस्टर होतिंग मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, मैं तो अपनी पूरी ली ग्रुप की प्रॉपर्टी पहले तुम्हें देने वाला था, लगा तुम मेरे सनी लॉ बनने के लिए सबसे परफेक्ट हो, तुम मुझे ऐसे डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हो, तबीयत खराब होने लगती है। कहते हैं, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो मेरी ग्रैंड डॉटर जावली को खुश रखोगे। तो वो सैड होके ओके कर देता है। ये लोग बहुत ही खुश हो रही थी, देखा आखिर मैं ही जीती, चारों फियांसे मेरे ही हैं। लिंजा अपनी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी, तभी फूशन वहाँ पे आ जाता है तो वो छुपाने लगती है। वो पूछता है, क्या हुआ? तो कहती है, मैंने गलती से चोट मार ली, अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी चोट देख पूछता है, किसने तुम्हें हर्ट किया? बता नहीं रही थी। तो कहता है, यंग लेडी ने। लिंजाओ कहती है, मैं यहाँ की बस एक छोटी सी मेड हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फूशन कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो कहती, क्यों मुझे परेशान करके तुम्हें भी तो मजा आता है ना। फूशन सोचता है, सही कहा, मैं तो हमेशा इसे परेशान करता रहता हूँ, पर जब इसे कोई हर्ट करता है मुझे गुस्सा क्यों आता है। मैं तुम्हें बस अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि सिर्फ मैं तुम्हें परेशान कर सकूँ, तो मैं अपनी जगह किसी और को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। पकड़ के लेके जान लगा था, ग्रैंडपा के पास चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी जॉब से फायर नहीं होना। कहता है, क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी है? लिंजाओ कहती है, हाँ मुझे येन की स्टडी को सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए। येन कौन है? और गुस्से से पूछने लगा था। लिंजाओ सोचती है, ये बार बार मुझे इसलिए परेशान करता है क्योंकि हो सकता है मैं सिंगल हूँ, तो ऐसा करते झूठ बोल देती हूँ। कहती है, येन मेरा फियांसे है। फूशन गुस्से में, तुम्हारा फियांसे है? हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? वो कहती है, मैंने कब पंगा लिया? बट वो उसे बेड पे गिरा देता है। अच्छा, तभी तुम बार बार हमारे पास आती थी। वो मना करती बट वो उसे बेड पे गिरा के शर्ट के बटन खोलने लगा था। उसे मना करने लग जाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी कोई उसे मार के पोश कर देता है और वो होता है मिस्टर होतिंग। तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, मिस्टर हो तुम यहाँ? इसे मैं देख लूंगा, और उसे मेडिसिन देता है। वो सोचती है, इसे तो कभी किसी के लिए इमोशनल फीलिंग नहीं होती, तो मेरी चिंता क्यों कर रहा है। मिस्टर होतिंग कहता है, तुम अभी हमारे ली विला में आई हो ना, इसलिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। हम चारों भले ही नॉर्मल दिखते हैं, हम सबको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। सीनन जब बच्चा था तो बहुत हर्ट हुआ था, इसलिए वो अकेला नहीं सो पाता। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, वो कभी कभी हम तीनों में से किसी के रूम में भी रात में घुस आता है सोने के लिए। और मिस्टर गोवे के डैड की एक बीमारी से डेथ हो गई थी, तब से उसे सफाई का ऑब्सेशन हो गया, वो जल्दी से किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता। लिंजाओ कहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे सामने अपने सारे कपड़े निकाल देगा, मेरे ऊपर भी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। और फूशन की मॉम ने उसके डैड पे चीट किया था, डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली और इसे ऑर्फनेज में भेज दिया। तब से लेकर फूशन को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, जब भी सिचुएशन इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है इसे बहुत गुस्सा आने लगता है। मिस्टर होतिंग कहता है, कभी कभी इन्हें देख के तुम्हें लगेगा तुम्हें इन्हें पीटने का मन कर रहा है,
पर रियल में ये बुरे इंसान नहीं है। तुम बस अपना काम करो। वो कहती है, पर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? पुतिन सोचता है, मैंने आज तक कभी बाहर वालों से ऐसी बातें नहीं की, तो मैं इससे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? कहता है, ली विला में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और फुशन को उठाने लगा था। वो पूछती है, मिस्टर वोटिंग और तुम्हारे बारे में, तुम भी तो रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो और जैसे ही होश में आते हो सब कुछ भूल जाते हो। वो कहता, तुम बस एक मेड हो तो मेरे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। और फिर दोनों फूशन को उठा के लेके जाने लगे थे। जीरोंग का डैड कहता है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, मेरी बेटी होने के बाद भी तुम अचानक से ली फैमिली की यंग लेडी बन गई, यहाँ कितनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। जीरोंग कहती है, धीरे बोलो, सबके सामने तुम्हें ऐसे प्रटेंड करना है जैसे तुम मेरे अडॉप्टेड डैड हो, वरना अगर किसी को मेरी आइडेंटिटी पता चल गया तो हम दोनों काम से गए। तभी हीरोंग देखती है लिंजा और मिस्टर होटिंग फूशन को पकड़ के लेके जा रहे हैं। मेट्स कहती है, लगता है इसने इन दोनों को पटा लिया। हीरोंग गुस्से से मेट्स को कहती है, अब तुम्हें इसको सबक सिखाना पड़ेगा। लिंजा संभालने के आ रही थी, मेट्स उसे गिरा देती हैं, पकड़ के उसके ऊपर कचरा फेंकने लगती हैं। मत यंग लेडी की फैंस को छीनेगी, लिंजा मना करती है तो उसको मारने लगती हैं, उसे पकड़ के नीचे गिरा लेती हैं, पर लिंजा की आइस बंद हो जाती हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर गुवई आ जाता है, किसकी इतनी हिम्मत मेरे रूम में घुसे? मेट्स सर के मारे दूर हट जाती हैं, तो कहता है, ये सब क्या है? मेट्स कहती है, हम तो बस इस सबक सिखा रहे थे, हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। मिस्टर गुवई चेक करता है, इसे तो अभी कभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत है, वरना ये टपक भी सकती है। मेट्स कहती है, डॉक्टर गुवई तो जल्दी से बचा लो ना। वो सोचता है, पर इसका फेस गंदा हो रहा है, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इसे बचाना ही होगा। गोद में उठाकर बेड पे लेटा देता है। मेट्स छाके देख रही होती हैं, हैरान थी कि डॉक्टर गुवई तो कभी किसी को टच भी नहीं करता और इसे गोद में उठा लिया। वो कहता है, भागो यहाँ से। फिर बहुत हिम्मत करके उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लगा था। सोचता है, अच्छा फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से ऐसा फील होता है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। पर जैसे उसकी आइज खुलती है एकदम से दूर हो जाता है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा था, मैं बस तुम्हारी जान बचा रहा था, बस सोचना। वो सोचती है, मैं डॉक्टर गु के बेड पे सो गई थी, अब तो ये पक्का मुझे टपका देगा। एकदम से खड़ी हुआ कहती है, सॉरी डॉक्टर गुवई, मेरी वजह से तुम्हारा बेड गंदा हुआ, मैं इसे जल्दी साफ कर दूंगी। पर वो जल्दी से बॉटल उठाकर मुंह में पानी भर के गुल्ला करने लगता है। लिंजा कहती है, थैंक यू डॉक्टर मुझे बचाने के लिए, पर क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? कहता, तुमने जो रूम गंदा किया ना, इसे साफ करो पहले। बॉटल उसके टकली पर रख के भाग जाता है। रात में लिंजा वो देखती है, सीनियन फिर से उसके रूम में आके सो रहा था। तो कहती है, ली विला में इतनी सारी मेट्स हैं, तुम किसी और के रूम में जाके क्यों नहीं सोते? प्लीज रोज मेरे पास मत आया करो। पर देखती है वो काफी ज्यादा डर रहा है, तो कहती है, तुम्हें बुरा सपना आ रहा है? सीनियन बच्चे की तरह रो रहा होता है और फिर उसे अपनी गोद में लिटाकर सहलाने लगी थी, तो वो उसकी गोद में सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे उठाने लगता है, रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, तुमने मेरे साथ कुछ किया था? ये तुम रात मेरे रूम में घुसे थे, से पूछ रहे हो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया? सीनियर पूछता है, तो मैंने रात सपने में कुछ बड़बड़ाया तो नहीं था ना? वो सोचती है, लगता है इसे कुछ भी याद नहीं रहा, और कहती है, तुमने बहुत कुछ कहा था। वो पूछता है, क्या कहा था? ये तुमने ये बोला था मैं दुनिया की सबसे काइंड और क्यूट गर्ल हूँ, और हंसने लगी थी, तो कहता, बस करो, तुम मुझे जानबूझ के छेड़ रही हो ना। लिंजा कहती है, तुम कितने डरते हो। उसे गुस्से से पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि सुबह सुबह लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब बेड पर हो? अचानक बेबी से बीस्ट कैसे बन गया? पर सीनियन उसे किस करने लग जाता है, तो वो एकदम हैरान थी। तभी फूशन लिंजा को आवाज लगाता हुआ उसके रूम में आ जाता है। एक हैरान चिल्लाता है, सीनियन उसके साथ क्या कर रहा है? वो सिर्फ मेरी है। पर सीनियन लिंजा को पकड़ लेता है, ये तेरी कब से हो गई? जी लिंजा तो हम चारों की मेड है ना। कहता है, जब ग्रैंडपा से बाहर निकालने वाले थे तो मैंने इसे बचाया था, वरना तो इसे कब का बाहर निकाल दिया होता। वहां पर डॉक्टर गुवई आ जाता है। लिंजा टाइम देखो जरा, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? फूशन कहता, गुवई अब क्या तुम भी इसे मुझसे छीनने आए हो? वाह क्या फाइट चल रही है। इतने वहां पर मिस्टर होटिंग आ जाता है। लिंजा तुमने मेरी फाइल कहाँ रखी है? कहता, बिग ब्रो तुम भी आ गए, सही टाइम पे आए हो, चारों यहाँ पे हैं तो कुछ चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। लिंजा सोचती है, ये सब यहाँ चल क्या रहा है? हीरोंग उनकी बातें सुन रही होती है, इस लिंजा ने सबको फंसा लिया। मिस्टर होटिंग पूछता है, लिंजा इसका ये सब क्या मतलब है? लिंजा कुछ बोलने वाली थी, सीनन कहता है, ग्रैंडपा ने इस मेड को हम चारों के लिए रखा है, भले ही ये काफी ऑर्डिनरी दिखती है, ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है, पर मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम तीनों इसे मुझे दे दो, हमारे लिए न्यू मेड्स हायर करवा दूंगा। बकवास बंद कर, लिंजा को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए और नई मेड्स रखवा दूंगा। डॉक्टर गुवी कहता है, मेरे टाइम शेड्यूल के लिए मुझे लिंजा की जरूरत है। वो तीनों लड़ने लग जाते हैं, तो लिंजा ने रोक रही होती है। हीरो कहती है, ली फैमिली की यंग लेडी मैं हूँ, और इस लिंजा ने तीनों यंग मास्टर को फंसा लिया, वो तो शुक्र है मिस्टर होटिंग इसके चक्कर में नहीं फंसने वाला। होटिंग कहता है, तुम तीनों बस करो। रान, मिस्टर होटिंग भी इसके चक्कर में फंस गया? मिस्टर होटिंग कहता है, लिंजा एक इंसान है, कोई टॉय नहीं, मैं से कोई भी इसे छीन लेगा। कुवे कहता है, पर हमारे पास सिर्फ यही एक है, तो बता क्या करें?
कहता है दिन में 24 घंटे होते हैं, चार हैं तो लिंजा सबके साथ एक दिन में 6-6 आवर्स स्पेंड कर सकती है। सीनन को सिर्फ सोने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और डॉक्टर गोगोई को अपने टाइम शेड्यूल के लिए, जबकि फुशन को खेलने और टाइम पास करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो लिंजा मिस्टर हुतिंग की तरफ देखने लगी थी। फुशन कहता है हम सबका तो ठीक है पर मिस्टर हुतिंग तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। हुतिंग कहता है ये मेरा बिजनेस है तुम्हें क्या। तीनों सोचने लगते हैं और कहते हैं ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है पर अभी मेरा इसके साथ खेलने का टाइम है और लिंजा को पकड़के लेके जाने लगा था। हीरो का अगर उन दोनों का हाथ छुड़ा देती है। लिंजा निकलो यहाँ से। फुशन कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कहती है मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई। फुशन कहता है तुम ली फैमिली की यंग लेडी हो, मेरे डैड नहीं हो, तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। हीरो कहते हैं तुम सब मुझे इस मेड के सामने नीचा दिखा रहे हो। फुशन उसे पकड़ के कहता है ये मेड हमारे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हीरो गुस्से में ग्रैंडपा ने तुम चारों को मेरे लिए हायर किया है, सबका फ्यूचर मेरे हाथ में है, तुम सब एग्जिस्ट ही मेरी वजह से करते हो, तो अगर मुझे सेट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। रोहतिंग कहता है पर अगर हम चारों में से कोई भी तुम्हें चूज ना करे तो। कहती है फिर तुम चारों को हमेशा के लिए मेरा बन के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन में लिंजा फुशन की एक्सरसाइज करवा रही होती है। वो सोचता है वो यंग लेडी इतनी बुरी कैसे हो सकती है। लिंजा कहती है अब डॉक्टर गोगोई के खाने का टाइम हो गया। फुशन कहता है अभी तुम मेरे पास हो और तुम किसी और के बारे में सोच रही हो, तुम मुझे सैड करना चाहती हो। वो कहती है तुम रिच यंग मास्टर हो, लोग तुम्हारा वेट करते हैं तो तुम क्यों सैड होगे। आने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, जिसे हम लव ना करते हैं उससे जबरदस्ती शादी कराओ तो कौन खुश हो सकता है। बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। एकदम हैरान थी और उस पर तभी वहां पर दो गर्ल्स आ रही होती हैं, तो लिंजा जल्दी से उसे दूर कर देती है। फुशन कहता है अभी मुझे और चाहिए और फिर से किस करने लगा था। तो बट वो उसे धक्का मार के वहां से जाने लगी थी तो गर्ल्स से टकरा जाती हैं, तो गर्ल्स भी उसे धक्का मार देती हैं और कहती हैं वाह फुशन कितना हैंडसम है। फुशन कहता है तुम लोगों ने उसे टच किया और उनकी तरफ बास्केटबॉल फेंक के मारता है, दोबारा ऐसा मत करना वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका सोच के खुश हो रहा था। लिंजा किसके बारे में सोचती हुई जा रही थी उसे डॉक्टर गोगोई का मैसेज आता है जल्दी आकर मेरे कपड़े निकालने में हेल्प करो। तो वो एकदम हैरान और भागती है और अंदर आके देखती है डॉक्टर गोगोई के कपड़े सने हुए हैं, ऐसा सर्जरी की वजह से हुआ ऐसा, वाके जल्दी से निकालो। वो कहती है क्यों तुम खुद नहीं निकाल सकते। तो कहता है अभी ये टाइम तुम्हारा मुझे सर्व करने का है तो जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। मुंह बनाती उसके कपड़े निकालने लगती है। गोगोई कहता है अब जल्दी से मेरी पैंट भी निकालो। वो सोचते हैं इससे पैंट के नीचे कुछ तो पहन रखा होगा, पर फिर जैसे उसकी पैंट निकालती है तो एकदम हैरान और आइस बंद कर लेती है। तुमने अपना अंडरवियर क्यों नहीं पहना। तभी वो अपना बड़ा सा कोट पहन लेता है। तुम क्या चिल्लाकर सारे हॉस्पिटल को दिखाना चाहती हो। मैं अपनी क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखता हूँ, तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। कहती है कॉमन सेंस, अगर तुम में होती तो किसी लड़की से कपड़े ना निकलवाते अपने। वो कहते तुम क्या बड़बड़ा रही हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो कहती है क्या, तुम्हें तो ली फैमिली की यंग लेडी से शादी करनी थी ना। वो कहता है मुझे सफाई का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, मैं किसी अनजान ऑर्डिनरी लड़की के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। कहती है तो क्या मैं ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ। वो कहता है तुम डिफरेंट हो, हमारे साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है याद है जब मैंने तुम्हें आर्टिफिशियल एस्पिरेशन दिया था, तुमने मेरी फर्स्ट किस ले ली है, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये बार पे पुश कर देता है। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो। तो उसके क्लोज होकर उसे फिर से किस करने वाला होता है। तभी लिंजा को सीनन का मैसेज आता है वही तुम खाना खा लेना, जैसे निकल के भाग जाती है और वो हंस रहा होता है। लिंजा जैसी आती है सीनन कहता है जल्दी से मेरे ऑयल लगाओ, कपड़े खोल के बैठ जाता है। ये सही नहीं होगा। तो कहता है कितनी लड़कियां ये सब करना चाहती हैं, वो तो मेरे लिए पागल हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बजाय उन्हें बुला लेता पर वो तो मुझे कच्चे को खा जाएंगी, या तुम मेरे साथ ऐसा होना देखना चाहती हो। वो कहती है ओके ओके। ऑयल से उसकी बॉडी पे मसाज करने लगी थी। सीनन तो पूरे मजे ले रहा होता है और वो भी उसके कपड़े निकाल के बैक में मसाज करने लगती है। सोचती है ये सब मुझसे क्या कराया जा रहा है। तो फिर कहती है काम हो गया जाऊं, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वो कहती है ऐसे भी कुछ खास नहीं है। कहता है मैं इन हाथों को पकड़ के रोज सो सकता हूँ। पूछती है जो दूर से ग्लैमरस टॉप एक्टर दिखता है वो रियल में कितना क्लींजी और क्यूट है। तभी जाने सीनन उसे सोफे पे गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ सो। वो हैरान उसे धक्का मार के भाग जाती है साइको कहीं का। कहता है पहली भाग गई, कर तो ऐसे रही थी जैसे मैंने शादी के लिए हाथ मांग लिया हो। निकाल के देखने लगा था। लिंजा कहती है सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। मिस्टर होतिंग उसे अपने स्टडी रूम में बुलाने लगता है। वो सोचती है कहीं ये फिर से टली तो नहीं है और पूछती है मिस्टर हो क्या काम है, और फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो सोचती है ड्रिंक की स्मेल तो नहीं आ रही, ये सच में मुझे किस कर रहा है। पर वो अचानक से उसे छोड़ देता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, और चला गया था जबकि वो अभी भी हैरान थी। सीन में हम ली फैमिली की पार्टी में देखते हैं, यंग मास्टर गेस्ट्स का वेलकम कर रहे होते हैं। आकर डॉक्टर गोगोई से हैंडशेक कर लिया था तो वो जल्दी से अपने हाथ पे सैनिटाइजर छिड़कने लग गया था। फुशन कहता है मेरे इतना फेमस होने का क्या फायदा, ऐसा लग रहा है मैं उस यंग लेडी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। कहता है और मुझे तो अपनी फैन मीटिंग छोड़ के यहाँ आना पड़ा, तो भी जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ रही है। वो तो पूछता है क्या किसी ने लिंजा को देखा है। वहाँ पर सब गेस्ट बातें कर रहे होते हैं, ग्रैंडपा ली को उनकी ग्रैंड डॉटर मिल गई, वो बहुत किस्मत वाली है जो इतनी रिच फैमिली की है। सोचती है यंग लेडी ने मुझे
ये नशा ड्रिंक में मिलाने को कहा है। वैसे भी चारों यंग मास्टर की कहीं ना कहीं यंग लेडी से शादी होगी, तो ये करने में क्या प्रॉब्लम है? बट वो चारों कितने अच्छे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पर तभी कोई से आवाज मारता है तो गलती से मेडिसिन ड्रिंक के ग्लासेस में गिर जाती है। एकदम हैरान, अरे नहीं, मेडिसिन कौन से वाले क्लास में गिरी है? यहाँ तो 5 क्लास रखे हैं। तभी वो चारों आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तभी ग्रैंडपा हीरों को पार्टी में लेके आते हैं, अनाउंस करने लगते हैं, ये फैमिली की ग्रैंड डॉटर जावली है, बचपन में खो गई थी। हीरों का डैड कहता है, मेरी फैमिली ने इसे बचपन में अडॉप्ट किया था, इसे बहुत प्यार से पाला है, खाना कपड़े कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मैंने तो इसे 3 मिलियन की कार भी खरीद के दी थी और 5 मिलियन का घर। कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हिसाब किताब करने आया हो ये। वो कुछ और बोलने वाला था, ग्रैंडपा कहते बस करो। अनाउंस करते हैं कि मेरी ग्रैंडडॉटर का ध्यान रखने के लिए मैं उसके डॉक्टर डैड के साथ 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा सनी, और अब टाइम है हीरों के लिए हस्बैंड ढूंढने का। तो मेरे ग्रैंडसन इन लॉ का सबसे पहला कैंडिडेट है मिस्टर हुआतिंग, ली ग्रुप का प्रेसिडेंट, दूसरा टॉप मेडिकल जीनियस डॉक्टर गुवई, ग्लोबल स्टार सीनन, वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फूशन। तो जावली बताओ तुम इनमें से किसे चूज करोगी? हीरोंग उन सबकी तरफ आने लगती है, जा सोचती है मैं यंग लेडी का कभी मुकाबला नहीं कर सकती, तो मैं इससे जेलस क्यों हो रही हूँ? तब क्या करें, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। कहता प्लीज गॉड मुझे इससे बचा ले, ये मुझे चूज ना करे। डॉक्टर गुवे कहता है, ये कितनी डर्टी है। मिस्टर हुआतिंग भी परेशान होकर एक ड्रिंक उठा के पीने लगा था। इंसा रोक रही थी और सोचती है पता नहीं कौन सी वाली ड्रिंक में नशा था। मुझे भी हिम्मत चाहिए, और वो भी उठा के पी लेता है एक, फिर क्या सीनन भी एक ग्लास उठा के पी लेता है, फिर डॉक्टर गुवे भी। इन चारों ने ड्रिंक कर लिया, पता नहीं कौन सी वाली में नशा था और कौन सी वाली में नहीं। फूशन कहता है मुझे दोबारा ड्रिंक करना पड़ेगा। जैसे उठाने वाला होता है लिंजा उसे छीन के खुद ड्रिंक कर जाती है, पर फिर अचानक से बेहोश होके पट्टे देने से गिर जाती है। उसे देखने लग जाते हैं इसे क्या हो गया, बट वो सोच रही होती है वाह कितना अच्छा ड्रीम है, मैं अपने सपने में हूँ चार चार हैंडसम लड़कों के साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंजा टली हो गई थी, तो मिस्टर हुआतिंग उसे बेड पे गिरा के उसे किस करने लग जाता है। वो उसे किस कर रही होती है, मॉर्निंग में लिंजा बड़बड़ा रही थी, वो सपना एकदम रियल लग रहा था, मैं आज से पहले कभी इतना नहीं थकी। तभी उसे देख के हैरान, मिस्टर वो मेरे बेड पे क्या कर रहा है, ऐसे तो नहीं रात वाला सपना नहीं रियल था। जल्दी से उठ के देखती है, सीनन बड़बड़ा रहा था मेरा ब्लैंकेट मत हटाओ। सब हैरान, ये भी मेरे बेड पर है, बड़बड़ा रहा था बकवास करना बंद करो मुझे सोने दो। वो भी बड़बड़ा रहा था, तो कहती है ये चारों के चारों मेरे साथ, आखिर रात में हुआ क्या था? जल्दी से अपने कपड़े पहन के वहां से भाग जाती है। वो की आइस खुलती है उसे देख के हैरान, क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है। फिर क्या सीनन और डॉक्टर गुवे उठ जाते हैं और देखते हैं वो चारों एक ही साथ एक ही रूम में लगे थे, आखिर रात में हुआ क्या था? हीरों कहती है ग्रैंडपा आपने देखा उस लिंजा ने जानबूझ के ऐसा किया मुझसे छीन सके, और कुछ यूँ था कि लिंजा काफी टल्ली हो गई थी और उसे देख के हंस रहे होते हैं और वो चारों से बैठे देख रहे थे, उसे घेर के रख रखा था, किसका तो एक ग्लास में काम तमाम हो गया। देखो सो ये ड्रिंक की वजह से उसका फेस भी पूरा रेड हो गया है, तुम चारों को मेरा फैंस बनाया गया है, इस मेड की परवाह क्यों कर रहे हो? बट मिस्टर हुआतिंग उसे इग्नोर करके लिंजा को गोद में उठा के लेके जाने लगता है। ग्रैंडपा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं लिंजा को रेस्ट कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। फूशन कहता है और मैं भी जाके उसकी हेल्प करूंगा, भाग जाता है। कहता है और मैं जाके इन्हें सुपरवाइज करूंगा, वो भी भाग जाता है। डॉक्टर गुवे कहता है ग्रैंडपा मैं तो डॉक्टर हूँ मुझे तो जाना पड़ेगा, और वो भी पीछे भाग जाता है। पर हैरान थे ये सब चल क्या रहा है, लोग कन्फ्यूज होते हैं, सब लोग कन्फ्यूज थे कि वो कौन मेड थी जिसकी वजह से चारों यंग मास्टर इतने नर्वस हो रहे हैं, उसकी फिक्र कर रहे हैं इतनी, यंग लेडी को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। कहती है उस लिंजा ने पहले मेरी आइडेंटिटी छीनने की कोशिश की थी और अब मेरे चारों फियांसे को छीन लिया है, प्लीज आप मेरा साथ दो। तो ग्रैंडपा गुस्से में थे, उन सब की इतनी हिम्मत मेरी ग्रैंडडॉटर को सेट किया, और बटलर से कहते हैं जाओ उस लिंजा को लेके आओ। बटलर कहती है बॉस आप गुस्सा मत कीजिए, यंग लेडी वैसे भी मिस्टर हुआतिंग को चूज करने वाली थी, तो बाकी तीनों यंग मास्टर किसी के भी साथ हो क्या फर्क पड़ता है। ग्रैंडपा कहते हैं बात तो सही है। कहती है तुम बीच में क्यों बोल रही हो, तुम्हें ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। बटलर कहती है यंग लेडी तो मिस्टर हुआ से शादी करेंगी ना, तो बाकी तीनों यंग मास्टर की भी खुद की लाइफ है। लगता है लिंजा अच्छी लड़की है, काइंड है, हार्डवर्किंग है, वो बहुत आसानी से बाकी तीन यंग मास्टर को कंट्रोल में रख सकती है। आपने नहीं देखा जब से लिंजा यहाँ पे आई है उन चारों यंग मास्टर में कभी लड़ाई नहीं होती। पर कहते हैं हाँ मैंने भी नोटिस किया है जब से लिंजा हमारे ली विला में आई है सब खुश रहने लगे हैं। हीरो बार बार बोले जा रहे थे ग्रैंडपा कहते बस करो तुम इतना भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, वहां से वापस आकर तुम्हारे मिस्टर हुआतिंग के साथ शादी की प्लानिंग करूंगा। पर हीरो सोचती है मैं उसे ली विला में रुकने दूंगी तभी तो। नेक्स्ट सीन में कहती है तुम लिंजाओ की मॉम और ब्रदर हो ना? मॉम कहती हाँ पर वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, मैंने उसे रास्ते में से उठाया था। उस बैगर लड़की ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? जैन कहता है अगर उसने तुम्हें हर्ट किया हो तो हम उसे बहुत मारेंगे। हीरो उन पे पैसे फेंक के कहती है मैं चाहती हूँ तुम लोग उसे हमेशा के लिए गायब कर दो, तुम्हारे हुए उसे पैसे भरने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंजा फूशन से पूछती है जब उस दिन मैं टली हो गई थी तो उस रात क्या हुआ था? मुझे इतना तो याद है जब मैं टली थी
मिस्टर वोटिंग मुझे गोद में उठा के लेके जा रहा था, पर फिर उसके आगे का कुछ भी याद नहीं है। और मेरे साथ चारों यंग मास्टर रूम में क्यों थे? फुशन कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। वो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहता ओके तुम्हारी मर्जी, तुम बाकी तीनों से भी पूछ सकती हो, पर मेरी कंडीशन उनसे तो बेटर ही होगी। लगा था ते रुको। तो वो वापस आकर कहता है चलो अब जल्दी से मुझे किस करो। तभी मॉम आकर लिंजा को थप्पड़ मार देती है। फुशन के तुम्हारी इतनी हिम्मत पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या, मैं जैसे मर्जी मारूं? तो वो किक्कर के बुड़का देता है। मॉम वो हैरान, ये तुम्हारी मॉम है? ऊपर से खड़ी देख रही थी, अब तो तू पक्का इस विला से निकलेगी। फुशन कहता है इसका मतलब तुम जिस यैन की बात कर रही थी वो तुम्हारा ब्रदर है? वो कहती है सॉरी मैंने झूठ बोला था, यैन मेरा फियांसे नहीं मेरा ब्रदर है। वो सोचता है इसने लाइफ में इतना कुछ सहा है और मैं इसके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा था। मॉम कहती तुम्हारे बीच में मत पड़, मैं इस बेगर लड़की की अपने बेटे से शादी कराने वाली हूँ। कहती है मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मैं आपकी बेटी हूँ। वो कहती है काहे की मॉम, मैंने तो तुझे रास्ते में से उठाया था, तू तो एक बेगर है बस, तुझे मैंने पाला सिर्फ इसलिए है ताकि अपने बेटे की वाइफ बना सकूं। सब हैरान थी तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं? तो कहती है वो भी तेरी तरह बैगर ही होंगे कोई, क्योंकि तेरे पास तो बस एक वो जेड पेंडेंट था, मुझे तो नहीं लगता वो किसी काम का होगा। सब हैरान जेड पेंडेंट, तभी हम पास्ट में देखते हैं, मैंने उसे बोला था कि ये जेड पेंडेंट हमारी ली फैमिली का है, ली अब ग्रैंडपा तुम्हें ही देते हैं। पहना दिया था तो ये जेड पेंडेंट जावली, यानी मैं ली फैमिली की रियल यंग लेडी हूँ। पकड़ के लेके जाने लगी थी पर फुशन धक्का मार देता है, भला कोई मॉम अपनी बेटी के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है। लिंजाओ अब हमारे ली विला में रहती है तो कोई उसे ऐसे नहीं लेके जा सकता। मॉम कहती है तो यहाँ से फायर कर दिया। फुशन कहता है किसने किया है? तो यहाँ आकर कहती है मैंने। तो एक मेड को फायर करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है? उसे पकड़ के कहता है मैंने बताया था ना ये मेड हम चारों के लिए है। यीरों कहती है ली फैमिली की मैं इकलौती वारिस हूँ तो सब कुछ मेरा ही तो है, इसे भी भगा सकती हूँ। यहाँ कहता है मिस आप चिंता मत कीजिए मैं इसे पकड़ के ले जाऊंगा। और लिंजाओ पकड़ने लगा था, वो खुद को बचाने लगी थी तो फुशन यहाँ के थप्पड़ मार देता है उसे टच करने की। फुशन का पैर पकड़ लेती है और यान लिंजा को खींच के लेके जाने लगा था। तभी वहां पर मिस्टर हुतिंग, डॉक्टर गुवाई और सीना ना चाहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी लिंजा को हाथ लगाने की? ग्रैंडपा भी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, इससे तुम अपने यंग लेडी होने का फायदा उठा रही हो अभी। तुम सब मेरे फियांसे हो तो हमेशा इस आउटसाइडर का साथ क्यों देते हो? कहता है अभी हमारी तुमसे शादी नहीं हुई है। डॉक्टर गुवाई कहता है तुझे तो मैं कभी टच भी ना करूं। सीनन कहता है तुझसे कौन शादी करना चाहता है, कितनी सड़ियल है तू। गुस्से से कहती है भूलो मत मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ, तो क्या मैं एक मेड को फायर भी नहीं कर सकती? केयरफुल हो वरना मैं। कहता है क्या करोगी, हम सबको ली फैमिली से बाहर निकाल दोगी? तो और भी अच्छा है, मैं लिंजाओ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, जिससे शादी करनी है उससे करना। और लिंजाओ को पकड़ के लेके जाने लगा था, ला रही थी तुम इस मेड के लिए ली फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो? मिस्टर वोटिंग कहता हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यूरो कहती है मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझसे पंगा मत लेना। फुशन कहता रुको। मिस्टर वोटिंग कहता क्यों, तो फिर से लिंजाओ को मुझसे छीनेगा? फुशन कहता है लिंजाओ तो पहले से मेरी है। सीनन कहता क्या मतलब तेरी है, वो मेरी है? वही कहता है तुम सबकी कैसे है, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हो गई इससे? यीरो गुस्से से चिल्ला रही थी। तो वो सब कहते हैं अगर ली विला में लिंजाओ नहीं होगी तो हम सब भी नहीं रहेंगे। लिंजाओ चलो चलते हैं यहाँ से। लिंजा सोचती है पहली बार मुझे फैमिली जैसा फील हुआ है, और तभी उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है। तीन पूछता है क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? वो तीनों हैरान थे और एक साथ कहते हैं मैं डैड बनने वाला हूँ। तो कहती है क्या बकवास कर रहे हो? मॉम कहती है अच्छा हो मैंने इसकी अपने बेटे से शादी नहीं कराई, पता नहीं किस किस के साथ इसका चक्कर चल रहा था। मिस्टर होटिंग बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, इन दोनों को बाहर फेंको। फुशन कहता है फाइनली मैं डैड बनने वाला हूँ। कहता है किसने कहा तू डैड बनने वाला है? डैड मैं बनने वाला हूँ। तो गुवे कहता है लड़ना बंद करो ये बच्चा मेरा है। होटिंग सोचता है ये तीनों फालतू में बहस कर रहे हैं, पर सच का मेरे अलावा किसी को नहीं पता क्योंकि ये बच्चा सिर्फ मेरा ही है। हुआ कुछ यूँ था कि उस वाइन के 5 ग्लासेस में से 4 ग्लासेस में नशा मिल गया था, जिसकी वजह से लिंजाओ के अलावा वो तीनों भी टल्ली हो गए थे, सिर्फ मिस्टर होटिंग होश में था। कन्फ्यूज था कि सिर्फ इतनी सी ड्रिंक करने से ये तीनों की ऐसी हालत क्यों हो गई। टल्ली लिंजाओ कहती है मुझे पता है इन तीनों ने वो वाली वाइन पी है जिसमें नशा था, यंग लेडी ने मुझे वो मेडिसिन वाइन में मिलाकर तुम्हें देने को कहा था। मिस्टर होटिंग कहता है भले ही उसने तुम्हें नशा मिलाने कहा था और तुमने सच में मिला दिया, मना नहीं कर सकती थी? वो कहती है मैं एक छोटी सी मेड हूँ और वो इतनी बड़ी यंग लेडी, मैं उसका वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, तब भी अगर मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ तब भी तुम्हें बताने की हिम्मत थोड़ी ना है मुझ में। तै तुम मुझे लाइक करती हो? तो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। तो तुम मुझे लाइक करती थी तो बताया क्यों नहीं पहले? तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना, मैं कोई यंग लेडी थोड़ी ना हूँ। बट वो उसे पकड़ के बेड पर गिरा लेता है और किस करने लगा था, यानी मिस्टर होटिंग ने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। सोचता है नशे की वजह से ये चारों अपनी याददाश्त भूल गए।
मिस्टर होते हैं तो सही कहा, यह बच्चा मेरा और लिंजाओ का है। यी रोंग चिल्लाने लगी थी, तुम चारों ने मुझे धोखा दिया है। तो वो सब कहते हैं हम फीलिंग्स को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। ली फैमिली की यंग लेडी भी हो तब भी हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर होते हैं कहता है मैंने बोला था ना हम लिंजाओ को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तभी ग्रैंडपा वहां पे आ जाते हैं, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है, लिंजाओ इधर आओ। लिंजा कुछ बोलने वाली थी पर तभी वो चारों आगे आ जाते हैं। मिस्टर होते हैं डरो मत मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कहते हैं इस लड़की के लिए तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे। सब कहते हैं ग्रैंडपा अगर आपको पनिश करना है तो हमें कीजिए, लिंजाओ किसमें कोई गलती नहीं है, पर हम इस सड़ी हुई हीरोंग से कभी शादी नहीं करने वाले। ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर होते हैं क्या तू भी मेरी बात नहीं मानेगा। वो कहता है लिंजाओ मेरे बच्चे से प्रेगनेंट है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है मिस्टर हो थैंक यू। वो कहता है सिर्फ तुम ही मुझे लाइक नहीं करती हो, मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। सीन ने कहता बिल्कुल भी नहीं बच्चा मेरा है। डॉक्टर गुवे कहता है नहीं मेरा है। शिन कहता है तुम्हारा नहीं मेरा है। वो कहता है लड़ना बंद करो ये मेरा और लिंजाओ का बेबी है। क्या वो चारों लड़ने लगे थे तो ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। लिंजाओ कहती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ और उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। सोचती है काश ये बुढ़ा टपक जाए फिर ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जानी है, क्या करके इन सबको बाहर फेंक दूंगी। डॉक्टर के कहता है ग्रैंडपा बहुत ओल्ड है ना और इस वक्त उन्हें ब्लड की जरूरत है पर उनका रेयर ब्लड टाइप है। बटलर कहती है यंग लेडी का भी रेयर ब्लड टाइप है। क्यों कहती है मेरा तो नहीं है। कहती ऐसा कैसे हो सकता है बचपन में यंग लेडी का चेकअप हुआ था। तो अगर तुम्हारा नहीं इसका मतलब तुम ली फैमिली की यंग लेडी नहीं हो। हीरो कहती है बटलर तुम्हें अल्जाइमर हो गया इसलिए भूल गई होंगी मेरा कोई रेयर ब्लड टाइप नहीं है। तो सोचता है अगर इसका रेयर ब्लड टाइप नहीं है इसका मतलब ये जावली भी नहीं है तो जावली है कौन। कहती है मेरा रेयर ब्लड टाइप है मैं दे सकती हूँ। तो सोचता है कहीं यही तो रियल यंग लेडी नहीं है। और हीरो से पूछता है ये सब क्या है मैं ही रियल वाली हूँ। कहता रियली तो डीएनए टेस्ट करा लेते हैं पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है। लिंजा सोचती है तो मिस्टर होतिंग को भी लगता है कि यू रंग फेक है। मिस्टर होतिंग डॉक्टर गुवाई को कहता है और लिंजा का ग्रैंडपा के साथ डीएनए टेस्ट कराओ। फूशन और सीनन कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि लिंजा ली फैमिली की यंग लेडी है। यू रंग कहती है ये नहीं है मैं रियल वाली हूँ मेरे पास डेड पेंडेंट है। होतिंग पेंडेंट छीन के कहता है इसके रियल ऑनर कौन है अभी पता चल जाएगा। लिंजा डीएनए रिपोर्ट देख कहती है यानी मैं ही ली फैमिली की यंग लेडी हूँ वो मेरे ग्रैंडपा है। यू रंग कहती है झूठ बोल रही है। तो फूशन उसे थपड़ा मार के भुड़का देता है और सीनन भी थप्पड़ मार देता है तो डॉक्टर गुवे भी मार देता है और वो लोग उसे पकड़ के ले गए थे कि हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को होश आ गया। मिस्टर होते उसका हाथ पकड़ के कहता है डरो मत मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उसका हाथ पकड़ के ग्रैंडपा के पास लाता है। उन्हें लगते हैं तुम सावली हो और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर हो मुझे पता है तुम प्रेगनेंट हो अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। बाकी तीनों भी आ जाते हैं एक वाली हीरो को फेंकाए पूछते हैं सावली तो तुमने चूज कर लिया तुम्हारा फियांसे कौन है। वो सब लिंजाओ की तरफ देखने लगे थे। मिस्टर होतिंग कहता है क्या तुम्हें सच में उस रात का याद नहीं है। दोनों कहते हैं तू ऐसे रह क्यों कर रहा है। मिस्टर होतिंग कहता है क्योंकि तुम सब पहले हार चुके हो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो पकड़ के मारने लग जाते हैं तू ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ। लिंजाओ उसे बचा रही थी। ग्रैंडपा ने देख के हंस रहे होते हैं और वो सब भी बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।